हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि भरवा करेले कैसे बनाएं। सबसे पहले आपने करेलों का जो ऊपरी छिलका है वो इसको काट देना है, और उसके बाद एक थाली में इसके अंदर के जो बीज है करेले के, वो बीज में से काट के भी इसमें डाल देने हैं। और इसमें आप सब मसाले ऐड करने हैं, इसमें लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह जो जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, मिर्च वगैरह सब कुछ। इस तरह आप देख सकते हैं कि मैं पेस्ट तैयार कर रही हूँ, जो हमने थोड़ा मोटा पेस्ट रखना है और हमने इसको इन करेलों के बीच में भरना है। ये देखिए, मैं इसके अंदर अभी प्याज वगैरह कूट रही हूँ। ये देखिए, जो करेले के जो बीज निकला वह उस थाली में मैंने और रखा है। आप चाहें तो करेलों के बीच में आप अनारदाना डाल सकते हैं। अगर अनारदाना ना हो तो आप अचार, आम का अचार भी डाल सकते हैं, जो खट्टा होता है। कोई भी खट्टा अचार डाल दें थोड़ा सा, जिससे हमारे करेले टेस्टी और यम्मी जैसे फील होंगे और खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, मैंने अचार को भी कूट दिया है, और जो ग्रेवी बना रही हूँ मैं इसकी भरवा के लिए, उसमें डाल दिया है। ये देखिए, मिर्च, आपको जितनी मिर्च लेनी है। आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, कम खाते हैं 2-3 ही यूज़ करें। इस तरह से हमें इनको भी काटना है। मेरे को यहाँ पे प्याज और डालना है, क्योंकि मुझे प्याज ज़्यादा पसंद है। इस तरह आप भी 3 से 4 प्याज यूज़ कर सकते हैं भरवा करेले के लिए। मैं 12-15 करेले बना रही हूँ पूरी फैमिली के लिए। तो आप अगर कम करेले यूज़ करेंगे या 4-5 करेले बनाएंगे, तो आप उस हिसाब से प्याज भी 1 या 2 ही डालें। इस तरह से इसका पेस्ट बन के भी तैयार हो गया है। ये देखिए, ये मैंने करेले पहले से ही तैयार करके रखा गया। मैं इसको भरूंगी। ये देखिए, पहले मैं कढ़ाई पे तेल गरम करूंगी। आप चाहें तो टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे टमाटर इसमें नहीं यूज़ करने हैं। इस तरह से मुझे कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल में इसको थोड़ी देर पकाना है। इसी में नमक, हल्दी वगैरह सब कुछ डाल देनी है, और सब्जी की तरह इसको पकाना है। और ये थोड़ी धीमी आंच में आपको 5-7 मिनट तक पकाना है। जब तक तैयार होगा तब तक मैं करेले तैयार कर रही हूँ। जो बड़े करेले हैं तो उनको बीच में से काट देना है, जो छोटे हैं उनको ऐसे ही भरना है। ये देखिए, ये मेरा ग्रेवी पक के तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं करेलों के बीच में भरूंगी। आप चाहें तो इसमें बेसन काफ़ी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेसन वाले आज नहीं खाने हैं। इस तरह से आपने जो तैयार की थी जो ग्रेवी, आपने इसको चम्मच से या हाथों से ही इसको अंदर भरना है। और जब आपने इसको भर दिया है तो एक धागे से इसको बांधना है, ताकि मसाला बाहर ना निकले। इस तरह से आपके सभी करेलों में धागा बांधना है। भरने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि दूसरी, यहाँ तक ये मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अगली वीडियो में बताऊंगी कि मैं तेल में कैसे डालने हैं करेले, जिससे हमारे करेले बहुत ही अच्छे और क्रंची बने। ये देखिए, ये मैंने भर दिए हैं, और थोड़े से रह गए हैं, जिनको मैं जो तैयार किए इनको पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी। ये देखिए, मैं तेल गर्म कर रही हूँ। अभी लाल मिर्च इसलिए डालते हैं, चेक करने के लिए कि तेल गर्म हो।